प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से होंगे रूबरू। नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री वर्चुअली करेंगे संबोधन। उत्तर प्रदेश में बनना प्रमुखों को प्रधानमंत्री लोकसभा चुनावों के लिए देंगे जीत का मंत्र। चुनाव के तीसरे फेज में राज्य की 10 लोकसभाओं में होंगे मतदान। पार्टी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ पन्ना प्रमुखों से खास तौर पर बातचीत करेंगे। चुनाव के लिए बढ़ाएंगे सभी का मनोबल। पन्ना प्रमुखों से बातचीत में चुनावी तैयारियों के बारे में प्रधानमंत्री लेंगे जानकारी। बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए उत्साहित। 22,000 से ज्यादा बूथों पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे पन्ना प्रमुख। संभल, बदाई, बरेली, उनला, एटा समेत तमाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में करेंगे 20 रैलियों और रोड शो को। प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए लोगों से मांगेंगे समर्थन। बीजेपी प्रधानमंत्री की रैलियों और रोड शो के लिए कर रही है जोरदार तैयारी। पार्टी कार्यालयों से पार्टी के पक्ष में चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया कैंपेन। प्रधानमंत्री की रैलियों के लिए तैयार हुए दो रथ। भगवा रंग के रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री करेंगे उत्तर प्रदेश का दौरा। गर्मी से निपटने के लिए रथ में खास इंतजाम। नेताओं के खड़े होने वाली जगह के पास लगाए गए हैं एसी। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में चुनावी कैंपेन को देंगे धार। गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 1 बजे मुजफ्फरनगर में करेंगे जनसभा। जनता से चुनाव में मांगेंगे समर्थन। दोपहर 3 बजे अमित शाह मुरादाबाद में कोर ग्रुप की मीटिंग में शामिल होंगे। कार्यक्रमों और पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनावी कैंपेन पर पार्टी के जमीन को मजबूत करेंगे। जेपी नड्डा महाकाल मंदिर में दर्शन करके लेंगे बाबा का आशीर्वाद। झालावाड़ में दोपहर 12:30 बजे करेंगे जनसभा। गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के रामनगर में किया रोड शो। कहा एक और बेंगलुरु में धमाके हो रहे हैं और दूसरी ओर एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन दिया। बेंगलुरु के शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की जनता से बीजेपी अलायंस को बड़ी जीत दिलाने की अपील की। जबलपुर में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा मोदी जी के आने से राजनीति की संस्कृति में परिवर्तन आया है। आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट। 17 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। कडप्पा से वाईएस शर्मिला को मिला टिकट। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी कर दी उम्मीदवारों की लिस्ट। 114 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। आज वायनाड से राहुल करेंगे नामांकन। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट्स। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में 12 अप्रैल को होगी सुनवाई। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दायर की 6 साल पहले शिकायत। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। 4 मुद्दों पर रखी अपनी बात। आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस लॉन्च करेगी डोर टू डोर कैंपेन। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे कैंपेन की शुरुआत। कांग्रेस के कई सीनियर नेता लोगों के घर जाकर विपक्ष की गारंटियों के बारे में जागरूक करेंगे। इंडिया गठबंधन के समर्थन में मांगेंगे वोट्स। आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल करेगी एनडीए। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनडीए कार्यकर्ता देंगे धरना। लोक जनशक्ति पार्टी करेगी धरने के नेतृत्व। मुख्यमंत्री केजरीवाल से इस्तीफे की उठाएगी मांग। शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद से ही हमलावर हैं एनडीए। दोनों तरफ से जारी है जुबानी जंग। पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी दूसरी लिस्ट। होशियारपुर और आनंदपुर सीट पर लोकसभा उम्मीदवार घोषित। जयपुर से डॉक्टर राजकुमार आम आदमी पार्टी प्रत्याशी। आनंदपुर साहिब से मलविंदर सिंह।
संजय सिंह की जमानत के बाद केजरीवाल पर नजर, आज दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की बेल पर सुनवाई। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी चुनौती, गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर ईडी ने दाखिल किया जवाब। ईडी के जवाब में केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र, साकी हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भेजने का आरोप। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, दिल्ली शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत। संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, लंच के पहले और बाद में दो बार हुई बहस। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के घर जश्न का माहौल, संजय सिंह की जमानत की खबर सुनकर मां राधिका ने मिठाई बांटी। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को मिली जमानत पर बोली संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का सत्यमय जयते। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, भारतीय लोकतंत्र के लिए आज का दिन बहुत बड़ा, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने दी है बेल। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत पर बोले समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, कहा मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे देश का न्यायालय सबको रिहा कर देगा और जीत सत्य की होगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, कहा सत्य को परेशान किया जा सकता है पराजित नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने केजरीवाल के घर हुई उनकी बैठक, मीटिंग में मौजूद रहे 55 विधायक 6 मंत्री। बैठक के बाद बोले सौरभ भारद्वाज, का सुनीता भाभी से सभी ने गुजारिश की मुख्यमंत्री पद पर बने रहे केजरीवाल। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तंज, कहा हम नहीं मुख्यमंत्री पद के पीछे, सौरभ भारद्वाज आतिशी और उनके अन्य नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी ज्वाइन नहीं किया तो 1 महीने में करा देंगे गिरफ्तार, ऐसा कहा। एक और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने उनके घर पर जल्द ईडी की रेड होने की जताई आशंका, कहा हम सबको समन भेजे जाएंगे फिर गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी ने लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तार होने की जताई थी आशंका, खुद के साथ सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम लिया था। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने बीजेपी को दी चुनौती, बोली जेल में जाने के बाद भी नहीं झुकेंगे, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। छिंदवाड़ा में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सभी को दी रमजान की मुबारकबाद। तिरुचिपल्लई में हाथियों के रिहेबिलिटेशन सेंटर में हाथियों के लिए खास इंतजाम, गर्मी से बचाने के लिए मौसमी फल। स्पेशल सेंटर में रखे गए हैं हाथी, महावत हाथियों को गर्मियों से बचाने के लिए कर रहे हैं हर संभव प्रयास। हाथियों के नहाने के लिए लगाए गए हैं शावर, जिसके नीचे खड़े होकर गजराज गर्मी से राहत पा सकते हैं। हाथियों के शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ भी तैयार किया गया, जिसमें खिलकर हाथी खुद को ठंडा महसूस कर सकते हैं। चेन्नई में AIADMK नेता का दिखा अनोखा अंदाज, सिलाई मशीन से सिले लोगों के कपड़े। बुलढाणा में अनोखे ढंग से नामांकन भरने पहुंचा प्रत्याशी, 2 थैलियों में 1 रुपए के 10,000 सिक्के और 15,000 से नोट लेकर पहुंचा। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में नगर रागवाली पूजा करके उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, घूमन करके लोगों ने किया आह्वान। 1.5 साल से 40 साल के बाबा कर रहे हैं क्याला देवी की कनक दंडवत यात्रा। गोलाघाट में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने किया भव्य रोड शो। बुलढाणा से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार प्रताप राव जाधव ने किया नामांकन, बैंड बाजी के साथ पहुंचे मुख्यालय।
मध्य प्रदेश दौरे पर शहडोल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जनसभा को संबोधित किया। मंत्री बनने के बाद पहली बार मऊ पहुंचे दारा सिंह चौहान, बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में मध्य लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी तरणजीत संधू के निमंत्रण पर अमेरिका से अमृतसर पहुंचा हाई लेवल डेलीगेशन।